मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका SST टीचर हूँ, मेरा नाम है रवि और मैं आज से आपको SST पढ़ाऊँगा। SST में अपन अपनी बुक हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे कब और कहाँ। तो बुक ओपन कर लीजिए आप लोग। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स कैसे महत्वपूर्ण है। देर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स, एक समय की बात थी जब हिस्टोरियंस थे ना, जो पहले के लोग होते हैं उनको बोलते हैं हिस्टोरियंस, वो फैसिनेटेड रहते थे विद डेट्स, मतलब मोहित रहते थे किस पर, दिनांकों पर निर्भर रहते थे। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. वहाँ पे ऐसे पहले जो गर्म गर्म रहते थे ना, पहले के समय में जो गर्म युद्ध बात, जो गर्म अफवाहें चलती थी, गर्म बैटल्स छिड़ते थे एक दूसरे के बीच में, उसी के बारे में जो रूलर्स होते थे, वहाँ के शासक होते थे, वो इसी में लिखते थे कि कब वो बैटल्स लड़े गए, इसके बारे में हम जान रहे हैं इस चैप्टर में। इन द कॉमन सेंस नोशन, जो कॉमन सेंस होती है किसी की, नॉर्मल जानकारी होती है, धारणा होती है किसी की, नोशन मतलब धारणा। हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स, जो इतिहास है वो पहले का डेट्स के बारे में ही है, डेट्स के साथ ही था। यू मे हैव हियर्ड पीपल से, आपने सुना होगा कि लोगों ने क्या कहा, आई फाउंड हिस्ट्री बोरिंग, कि मैंने हिस्ट्री को बोरिंग महसूस किया है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, क्योंकि ये सभी पुरानी यादों के तारीखों के बारे में है। इट सच ए कंसेप्शन ट्रू, ये एक कंसेप्शन सच है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस, हिस्ट्री सर्टेनली चेंज भी हो सकती है, बदल भी जाती है। दैट ऑक्यूर ओवर टाइम्स, समय के बाद हिस्ट्री बदल जाती है ना, उस समय क्या हुआ था यहाँ पर, उसके बाद में और भी कुछ हो गया, तो ये क्या है, समय के बाद में हिस्ट्री चेंज हो जाती है, इसलिए लोग इसको पढ़ना कम पसंद करते हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और ये सब के बारे में ये पता लगाना है कि कैसे लोग कैसे क्या काम करते थे, कैसे कौन सी चीज़ काम करती थी पास्ट में, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और चीज़ें कैसे बदल गई, लोग कैसे बदल गए, उनके भाव कैसे बदल गए, उनके रहन सहन कैसे बदल गए, ये सब हिस्ट्री हमें बताती है ना। हिस्ट्री में तो पता लगता है पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम, पास्ट में और प्रेजेंट में अपन देखेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस है, ये किसके कारण है, समय के कारण। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, हम बात करेंगे पहले के और बाद के बारे में। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन, आजकल के जो दुनिया में अपन रह रहे हैं, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क, हम हमेशा नहीं पूछते हिस्टोरिकल क्वेश्चन, नहीं पूछते ऐतिहासिक प्रश्न, नहीं पूछते किसी से अबाउट यानी बारे में, व्हाट वी सी अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ क्या है, कैसा है, ये कैसे हुआ, यहाँ पे लोग कैसे रहने लग गए, ये हम किसी से नहीं पूछते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट, और जो दुनिया में जो लोग पहले के निवासी थे ना, वो किस तरीके से निवास करते थे, इसके बारे में हम किसी से नहीं पूछते, हम उस चीज़ को स्वीकार करके यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इस दुनिया में सब हम रहते हैं। बट लेकिन मोस्ट ऑफ अस, हमें से ज़्यादातर हैव ओवर मोमेंट्स ऑफ वंडर,
ज़्यादातर लोग आश्चर्य से भरे हुए हैं। When we are curious, जब हम curious हो जाते हैं and we ask questions that actually are historical, इतिहास के बारे में एक्चुअल में क्या हुआ था और कैसे ये इतना बदलाव हो गया, तो ये किसी में उठती है ना इच्छा शक्ति जानने की। Watching someone sip a cup of tea at the roadside tea stall, you may wonder. जैसे कि अपन देखते हैं कि अभी तो कोई टी स्टॉल पे अपन चाय पीते थे, चाय पी रहे हैं, तो पहले के लोग भी ऐसे क्या टी स्टॉल पे पहले के लोग चाय पीते थे क्या, और ऐसा हो सकता है क्या? When did people begin to drink tea और कॉफ़ी, ये भी जानना आज तरह से बड़ा होगा कि लोगों ने कब चाय और कॉफ़ी पीना स्टार्ट करा होगा, ये भी तो जानने लायक बात है ना। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, जब आप ट्रेन की विंडो से बाहर देखते हो तो आपने सोचा है कि ट्रेन कैसे चलती है और पहले कब से चल रही है? When were railways built, और railways कब बनी थी? And how did people travel long distances, और लोग कैसे लंबी दूरी तय करते हैं? Before the age of railways, railways के युग में। Reading the newspaper in the morning, you may be curious. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको उसके बारे में क्यूरियोसिटी होती होगी ना, जानने की इच्छा होती होगी। How people got to hear about things before, कि लोग पहले कैसे जो चीज़ों के बारे में सुनते थे। Before newspaper began to be printed, न्यूज़पेपर छपने से पहले लोग जो होते थे पहले कैसे थिंग्स के बारे में, किसी जगह के बारे में जान पाते थे। जैसे अपन तो अभी न्यूज़पेपर आता है तो देश दुनिया की खबर अपन को मिल जाती है, और लोगों को पहले कैसे मिल जाती होगी, ये भी जानने लायक चीज़ है ना। पहले लोग कैसे किसी जगह की सूचना उनको मिलती थी। अब एक्टिविटी दी हुई है अपन को, लुक केयरफुली एट फिगर फर्स्ट, ये फिगर फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें देखना है आपको, एंड राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट एंड इम्पीरियल प्रिसेप्शन, ये कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन है एक, इसके बारे में आप एक पैराग्राफ लिखोगे। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जैसे किसके बारे में है। ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास ऑफ ब्रिटेनिया, ब्राह्मण्स है ना अपने, उन्होंने शास्त्र दिए थे जो ब्रिटेन के लोग थे उनको, ब्रिटेनियन बोलते उनको ना। फ्रंट स्पाइस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रिनेल 1782, इसके कारण ही 1782 में जेम्स रिनेल ने पहला मैप बनाया हिंदुस्तान का। रिनेल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान, और रिनेल ने पूछा था रॉबर्ट क्लाइव से मैप्स के बनाने के बारे में, हिंदुस्तान के मैप को बनाने के बारे में किसे पूछा था? रॉबर्ट क्लाइव से। एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया, जो एक बहुत ही अच्छे ब्रिटिश सपोर्टर थे भारत के। रिनेल सा प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एजेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, रिनेल ने प्रिपरेशन की थी मैप्स की अपने आप को पूर्णतः समर्पित करके। द पिक्चर्स हैड ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशियंट टेक्स्ट ऑफ ब्रिटेनिया, ये पिक्चर हमें यही सजेस्ट कर रही है कि कैसे ब्राह्मण्स ने ब्रिटेन के जो लोग थे इनको अपने शास्त्र दिए, उसी के हेल्प से तो इन लोगों ने क्या बनाया, हिंदुस्तान का मैप बनाया था। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर के जो सिंबल है इसका भी एक चिन्ह है। एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, और इनसे ये भी पूछ सकते हैं ना अपन कि इंडियन कल्चर कैसे था, ये भी कौन जानता है? रिनेल जानती है, जेम्स रिनेल।
ये एक ब्रिटिशियन रूलर थी तब उस टाइम पे 1782 में इन्होंने अपने इंडिया का मैप प्रोड्यूस किया था, जो किसकी हेल्प से किया था, रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प से। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको ये पैराग्राफ लिखना है। ये अपनी एक्टिविटी थी और ये पैराग्राफ आप चाहो तो ये वाला आप लिख सकते हो जो इसमें दिया हुआ है ना, नीचे दिया हुआ है, ये पैराग्राफ आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। इस प्रकार के ऐतिहासिक जो क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, रेफर होते हैं सभी एक किस को ले जाते हैं, अस बैक, हमें पीछे ले जाते हैं, टू नोशंस ऑफ टाइम, जो उस समय की धारणा थी वहाँ पर ले जाते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर्स और ए मंथ। लेकिन जो समय होता है ना, वो हमेशा प्रिसाइसली डेटेड नहीं होता है, हमेशा फिक्स नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर्स, जो कोई पर्टिकुलर साल या फिर मंथ में हो, ऐसा कोई निर्भर नहीं है। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज, इसको कुछ समय वास्तव में ये इनकरेक्ट भी हो सकती है फिक्स करना, इसको फिक्स कर सकते हैं, प्रिसाइज भी कर सकते हैं डेट्स को, टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि क्या उस पीरियड ऑफ टाइम में हुआ था, उसकी प्रोसेस के बारे में अपन को कोई एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है, पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का बारे में अपन को ज्ञान नहीं है, पर ये आइडियली अपन को बताते हैं। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। जो पहले के लोग थे वो चाय पीना कहाँ से जानते होंगे, वो कब कैसे जानते होंगे, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है अपने नज़र में, और किस समय पे इन लोगों ने ये टेस्ट जनरेट किया होगा कि चाय भी कोई चीज़ होती है। देर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस, इस प्रकार की कोई डेट नहीं है ना अपन के पास में कि चाय कब से पीना स्टार्ट हुई थी, तब अपन को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में भी। सिमिलरली इसी तरह वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश, इसी प्रकार हम ये भी फिक्स नहीं कर सकते कि ब्रिटिश की जो ब्रिटिश रूल यहाँ पर भारत में लागू हुआ था ना, वो कब हुआ था, ये भी कोई फिक्स डेट नहीं है, वो तो अपन अप्रोक्सीमेटली बताते हैं। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और जो राष्ट्रीय मूवमेंट हुई थी ना वो स्टार्ट हुई थी, और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, और जो किसी जगह पर अपने आर्थिक स्थिति और जो सोसाइटी चेंज हुई है, इसके बारे में भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये सभी एक समय के अंतराल में हुआ है। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पेन ऑफ टाइम, हम इसको एक प्रकार के भाग, समय के भाग में ही जान सकते हैं। एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, एक लगभग होने वाला पीरियड जो एक कालांश है, ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, उसमें कुछ पर्टिकुलर बदलाव होते हैं जो विजिबल होते हैं, बाकी कोई फैक्ट जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हुआ ही हो, और कुछ फैक्ट ऐसे भी होते हैं जिस पर्टिकुलर फिक्स बता देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, अपन उस पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसे फैक्ट भी होते हैं। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बिकेम विजिबल तक ही, और